यही हमें टेस्ट करना है। अब आप देखोगे कि एयर कंप्रेसर होता क्या है। जब से मैं ट्रैवल करने लगा हूँ विद दीज 4x4 व्हीकल्स, टायर इनके थोड़े से बड़े होते हैं और उस वजह से हवा इनके अंदर ज़्यादा डालनी पड़ती है। अब चक्कर क्या रहता है, अलग अलग जगह पे जाओगे, मान लो राजस्थान चले गए डेजर्ट में, हवा कम करनी पड़ेगी। पहाड़ों पे जा रहे हो, कई बार आप ऑलरेडी ठीक ठाक चल रहे हो, ज़्यादा ठंड होगी, हवा कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली बिकॉज डेंसिटी बढ़ जाती है। उसके साथ में अगर मान लो ऊपर गए हो, रास्ते ख़राब हैं, तो कई बार हवा कम करनी पड़ जाती है क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी लाइक बहुत रफ़ हो रखी होते हैं रोड्स वगैरह। तो ये खेलना बहुत ज़रूरी है एक स्पीड एक पेस मेंटेन करने के लिए और सस्पेंशन को डैमेज से बचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि बहुत से लोग कुछ भी ना करते हो, लाइक दे डोंट इवन लाइक लुक एट द टायर प्रेशर एंड ऑल, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस चीज़ को लेके, और उसी वजह से मैं लाइक एयर कंप्रेसर्स में बहुत ज़्यादा मेरा पैसा वेस्ट हुआ है। क्योंकि आप जितना लाइक यूज़ करोगे उस हिसाब से ख़राब हो जाते हैं, फिर यू विल एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ इट और वो रिज़ल्ट नहीं देगा, वो फेल हो जाएगा, एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज ये वाली वीडियो इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है जब आप इस तरह के टायर्स में हवा भरने की कोशिश करते हो। लाइक ए सिनेरियो जहाँ पे आप पहले हवा निकालोगे किसी टेरेन में, फिर आप रोड पे आओगे, रोड पे आपको कम हवा में नहीं चलाना है क्योंकि बेल्ट रेडियल्स ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर से हवा डालनी है। और मैंने फेस किया है जब आप स्पेशली स्पीति वगैरह में होते हो ना, वहाँ पे हवा भरने में, क्योंकि एयर डेंसिटी ऑलरेडी बाहर कम है और उस वजह से एयर कंप्रेसर्स को और ज़्यादा लोड पड़ता है, एंड मैंने खुद फेस किया है, ठीक ठाक एयर कंप्रेसर्स के साथ में मुझे आधा घंटा से 40 मिनट लगे हैं फ्रॉम लाइक 24 to 32 जाने में चार टायर्स में। तो इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ हो नहीं सकता। तो इसी चीज़ का इलाज मैं ढूंढता रहा हूँ और अब मुझे लग रहा है शायद वो सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। वैसे बढ़िया तो रहने वाली थी अगर थार होती, क्योंकि उसके टायर्स में कम से कम 30-35% और ज़्यादा हवा आती, तो ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाना था जो हम आज टेस्ट करने वाले हैं। पर चलो जो भी है, लाइक बुलडोज़र गया हुआ है काम के लिए, ट्रिप के लिए तैयारी चल रही है उसकी, तो सॉरी यार वीडियो तो मैं उसकी शूट नहीं कर पाया, ध्यान मेरा बातों में मैं लग जाता हूँ, तरन था वहाँ बातें करने लगे एंड लाइक बिज़ी हो गए, तो ध्यान ही नहीं रहा कुछ शूट वूट करना। तो वो अभी आएगी नेक्स्ट वीक, कुछ सीरियस चीज़ें हैं जो उसके अंदर होने वाली हैं। और एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि हवा लेट भरना, लाइक मान लो पंचर ही हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं तो हवा ही निकल गई गाड़ी की, और आपने पंचर भी लगा लिया ट्यूबलेस टायर में, बट हवा भरने लगोगे अभी साइज़ के 285/60 R18 में, अच्छे अच्छे एयर कंप्रेसर स्पीति वगैरह वाले रीजन्स में रोज आते हैं, लाइक वो उठा ही नहीं पाते टायर्स को। तो अच्छा एयर कंप्रेसर होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि किसी भी जगह पर रिमोट लोकेशन पर अकेले हो या फिर फैमिली के साथ हो, ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं रहता है, लाइक फटाफट से करो और निकलो। तो इस टेस्ट में मुझे मदद लेनी पड़ेगी, अगर पवन होगा तो गुड, अगर दूसरा गार्ड होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अरे यार ये तो दूसरा ही है लौंडा आज तो। तो चलो लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चारों टायर्स की हवा निकालेंगे, पांचों की निकालेंगे, क्योंकि पहले तो हमें ये भी देखना है कि एयर कंप्रेसर्स अपने पास में कौन कौन से जिंदे हैं। बहुत एयर कंप्रेसर्स खरीदे यार अच्छे से अच्छे, बट फेल हो गए। अब गाड़ी गंदी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इवनिंग में एक्चुअली लेके निकल गए थे इसको, थोड़ा सा कीचड़ की ड्राइव पे। जब बारिश आती है तो मैं गाड़ियाँ लेके ज़रूर निकलता हूँ। उसके साथ में आपको नीचे चेंज दिख रहा होगा, यस अलॉय व्हील्स पे शिफ्ट हो चुकी है गाड़ी, 8 इंच के हैं क्योंकि जो कंपनी वाले थे वो 6.5 इंच चौड़े थे, तो वो मुझे नहीं चाहिए थे, फिर मैं स्टील व्हील्स पे शिफ्ट हुआ, माइलेज ऑलरेडी कम थी, फिर और ज़्यादा ड्रॉप होगी तो मुझे लगा छोड़ो। अब जो अपने पास चैलेंज आएगा ना, वो ये आएगा कि अगर हम इसको छोड़ दें सिर्फ स्टेपनी को, तो
हमें एयर प्रेशर नहीं दिखा रहा है कोई भी टीपीएमएस सेंसर, जबकि जब हमने अलॉय व्हील्स लगवाए थे प्रॉपरली लगवाए तो थे सेंसर्स और रीडिंग भी दे रहे थे। तो अब हम यहाँ पे नहीं देख सकते, थार में तो क्लियरली लाइक एयर कंप्रेसर लगाने के बाद में हम देख पा रहे थे इजीली कि भाई पीएसआई बढ़ रहा है। तो इस सेंस में थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, हमें उस एयर कंप्रेसर के अंदर ही देखना पड़ेगा। तो एक बात बता रहा हूँ भाई, आपको मज़ा आने वाला है ये वाली वीडियो देख के, क्योंकि जब मुझे मज़ा आता है तभी मैं वो वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ व्लॉगिंग श्लॉगिंग अपने बस की है नहीं। तो ये है भाई हमारे एयर कंप्रेसर, सबसे ज़रूरी चीज़, ये वीडियो को स्पॉन्सर्ड नहीं है, विद ईयर्स आई बॉट दिस वन बाई वन। सबसे पुराना ये है ये वाला, बहुत सारे जो चाइनीज़ थे वो ख़राब हो गए, बट दिस इज़ फ्रॉम मिशलिन। सो ये एक टॉप अप पंप है, तो इसको मैं जनरली यूज़ करता था नॉर्मल टायर्स में, लाइक 15 इंच का इको स्पोर्ट में जो टायर था 205। ये मैंने पंप जो ख़रीदा था ये इसके बाद ख़रीदा था, तो ये ठीक था बट इतना मुझे सॉलिड नहीं लगा फ्रॉम गो मैकेनिक। ये थार के टायर्स में दिक्कत आ रही थी, 285/60R18 इसके बस के नहीं थे। और जब आप हिमालयाज में हो तो भैया भूल जाओ, क्योंकि एयर की डेंसिटी वैसे ही कम है तो भर ही नहीं पा रहे थे, लाइक ख़राब हो जाते हैं एक बार में। उसके बाद में मैंने इसमें ख़र्चा किया, ये है मिशलिन 4x4 रैपिड दिस है, पर मुझे लग रहा है ये ठीक ठाक था। वैसे हिमालयाज में तो टाइम लगा था इससे भी हवा भरने में, बट फिर भी ठीक था। पर प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है इसमें आई है कि जो थार का 12 वोल्ट का सॉकेट था इसको इनफ एम्प्स नहीं दे पाया था, और ये लोड होके स्पिति में फेबररी में जो हमारी कोल्ड ट्रिप थी वहाँ पर एक तो हवा का इम्पेक्ट आएगा बहुत ठंडा, और उसके बाद ये ख़राब हो गया। अब ये आपको ये हाथी वाला बैग दिखाई दे रहा है, तो यही हमें टेस्ट करना है। अब आप देखोगे कि एयर कंप्रेसर होता क्या है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे पाँचों टायर्स में से हवा, और उसके बाद में फिर बढ़ेंगे आगे। पाँचों टायर्स में से हवा क्या, ये तो चलेगा नहीं, इसके बस की नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये एक टायर में हवा भरेगा, उतनी देर में इसको चार टायर में हवा भरनी है। तो ये करेंगे आज हम टेस्ट, बिल्कुल बैठा देते हैं चलो टायर्स को, ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो। अरे हवा ही नहीं निकल रही, हो सकता है इसी वजह से टीपीएम में से भी नहीं चल रहा हो। अरे किसी में से हवा नहीं निकल रही यार, कमाल है, टेस्ट ही फेल हो गया हमारा तो भाई साहब। शिट, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, चारों के सेंसर गायब हैं, दैट मीन्स कुछ तो लोचा है, हवा सब में से ही नहीं निकलेगी। इसकी नोजल चेंज हुई थी फ्रंट वाले की, तो मे बी इसमें से निकल जाए। यस, चलो फिर एक टेस्ट ऐसा करते हैं, रियर स्टेपनी और उसके साथ में ये फ्रंट वाला, तो इनको साथ में चलाएंगे, लेट्स सी क्या डिफरेंस आएगा फ्रॉम 0 to 34। तो ये लो भाई, बिल्कुल डेड, अब एक निकालते हैं अपनी स्टेपनी की, इसकी फास्ट निकलनी चाहिए क्योंकि इसका रिस्पांस ठीक था। यस, अच्छी स्पीड है, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है भरने पे भी पड़े, तो चलो कोई छोटा वाला फिर भी इसको दे देंगे जो आसानी से निकल रहे है। कमाल की जो बात है, दुनिया के टायरों में हवा रुक नहीं रही, हमसे निकल नहीं रही। तो लोवेस्ट स्टेप ने भी खा ली, अब करते हैं तैयारी। अब जो लफड़ा है ना, ये वाला जो बड़ा वाला पंप है, इसको हम 12 वोल्ट सॉकेट से नहीं चला सकते क्योंकि 45 एम्पियर लेता है, 45 एम्प्स। ये जो है ये शायद 11 एम्प के आसपास लेगा, ये शायद 15 लेता था मिशलिन वाला, बट ये ख़राब हो चुका है, और ये वाला मिशलिन वाला इसकी औकात नहीं है। तो इन दो को हम लोग यूज़ करेंगे स्टेपनी में, क्योंकि आसानी से स्टेपनी में हवा निकल रही थी, तो हम छोटे वाले को दे देंगे वो, और बड़े वाले को देंगे हम जिसमें मुश्किल से निकल रही थी, तो मुश्किल से डलेगी भी शायद, तो और अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। तो पहले एक बार ज़रा खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है बॉक्स के अंदर। तो ये भाई फुल ऑन मॉन्स्टर है, इसमें क्योंकि
ये बैटरी से सीधा कनेक्ट करना पड़ता है बोनेट खोल के, क्योंकि ये लोड बहुत ज़्यादा लेता है और सारे फ्यूज़ेस उड़ा देगा अदरवाइज़। ये इसकी एक्सटेंशन कॉर्ड है और ये लॉक्स हैं। तो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है जिसमें मैं आपके पास आया हूँ। इस तरह के एयर पंप्स मैं ड्रीम करता था और मुझे लगता था कि पता नहीं इंडिया में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थैंकफुली मिल गया। तो ये कोई पूछना चाहे तो मैंने तरन से ही लिया था, बिमरा से, और नॉट अ पेड वीडियो, जस्ट टेलिंग यू, अगर उसके पास और स्टॉक होगा तो यू कैन टेक इट। अरे निकल जा भाई। अब क्योंकि हम बोनट के पास ही हैं तो हमें एक्सटेंशन कॉर्ड या फिर एक्सटेंशन पाइप नहीं लगाना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लगा देंगे। अब देखना ये है कि जो ये गो मैकेनिक वाला है, इसकी वायर पिछले टायर तक जाएगी कि नहीं जाएगी। कनेक्टेड, ये कनेक्टेड। अब इसमें जो इशू है ना वो ये है कि बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। ये अभी देखो आपको ज़ीरो दिखा रहा है, बट जैसे ही चलेगा तो एक्यूरेटली नहीं उठेगा, ये सीधा काफ़ी हाई उड़ जाता है और फिर आपको ध्यान देना पड़ता है कि असली प्रेशर क्या है। तो हम 34 PSI तक चढ़ाएंगे इसको। ये आ गया हमारा गो मैकेनिक वाला खिलौना, यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं कि कितने पे ये रुक जाए जाके। तो ये थोड़ा अच्छा फीचर है, अगर इस वाली यूनिट में होता तो भाई चलो ये भी जुगाड़ बन गया है, आगे वाला कनेक्ट हो गया इस तरह। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसमें, तो हम फिक्स कर देंगे 34 एंड छोड़ देंगे उसको, एंड टाइम देखेंगे कितना लगता है। बिग बिग डिफरेंस यार, मतलब मैं खुद इम्प्रेस था तभी आप लोग को बता रहा हूँ। स्टार्ट करने के लिए भी नीड टू प्रेस द क्लच एंड स्टार्ट। अब यहाँ पे बस ये कि TPMS कुछ दिखा नहीं रहा तो क्या ही कर सकते हैं, बट यस स्टेपनी का दिखाएगा। 34, पहले चलो इसी को स्टार्ट कर देते हैं। नीचे भी गिर सकता है नाचते हुए। एंड नाउ दिस, अब इसमें ये है कि आपको क्लियरली दिखेगा नहीं कितना क्या, अब पर देखना टायर जिस तरह से अब उठता हुआ दिखाई देगा ना, सीधा सीधा खड़ा हो जाएगा टायर। हाँ देख लो, मे बी 10-5 सेकंड पहले शुरू किया होगा, 12:19:40 के आसपास, 40 सेकंड पे देखते हैं कितनी देर में भर देता है। ये वो टायर खड़ा भी होने लग गया, ये क्रेजी है यार, ये मॉन्स्टर है। ऐसा एयर कंप्रेसर लाइक ऐसा ही चाहिए था मुझे। ये खड़ा हो गया टायर, इसमें ये है कि थोड़ा देखना पड़ता है बंद करके कि हम ज़्यादा तो नहीं भर रहे, क्योंकि अभी 50 दिखा रहा है ये। तो हमें चाहिए यहाँ पे 35। तो इसमें ये भी है थोड़ा सा लाइक ध्यान नहीं दिया, इतनी देर में तो ये फुल कर देता है, ओवर कर देता है, मतलब निकालनी पड़ेगी।
डन। अब देखते हैं इसको, ये भाई साहब 14 PSI पे पहुंचे हैं, जबकि इसमें भरी भी आसानी से, लाइक निकल रही थी तो भर भी आसानी से रहेगी, वॉल में कुछ इशू होगा तो, कि अभी 14 पे पहुंचा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है इन एयर कंप्रेसर्स में। और जब ये चीज़ आप जब पहाड़ों में वो जाओगे जहाँ पे ऑलरेडी हवा कम रहेगी, उस टाइम पे ये इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि लाइक यू विल गेट इरिटेटेड अगर हवा ढंग से नहीं भर रही है तो। वो पीछे वाला भी कई दिन लगाएगा तो मैंने अब एक्सटेंशन लगा दिया है, इसी से हवा इसमें भी भर देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी वांट, इस तरह के एयर कंप्रेसर्स की ज़रूरत है व्हेन वी एक्चुअली यूज दिस विद 4x4 व्हीकल्स। ये तो टायर छोटे हैं, थार के टायर होते तो लाइक बहुत ज़्यादा देर लगनी थी। आवाज आ रही है अलग ही हवा भरने की। तो भाई ये था हमारा T-Max एयर कंप्रेसर, जबरदस्त परफॉर्मेंस, लाइक फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम फुली सेटिस्फाइड विद अ एयर कंप्रेसर यार, लाइक रुला देते हैं अदरवाइज। अभी मैं एक टायर में जितनी देर में हवा भर सकता था नॉर्मल एयर कंप्रेसर से, मैं पांचों टायर्स में हवा भर सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे PSI ऊपर जाएंगे छोटे वाले एयर कंप्रेसर्स स्लो होते चले जाते हैं, लाइक 15-17-20 तक ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद में लाइक उनसे स्लो होता जाएगा। इसका क्या है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया ज़ीरो से, तो खैर टायर आप तभी भरोगे जब लाइक पंचर के बाद कनेक्ट करोगे, बट अगर मान लो आप एक नॉर्मल एयर कंप्रेसर से 25-33 करना चाह रहे हो, तो ये लाइक आपने अगर बटन दबा के इधर उधर हो गए एक मिनट के लिए, तो ये 50 के ऊपर आपको देगा उस टाइम पे, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट लाइक ये स्पीड चाहिए कम से कम, अब रिलायबिलिटी पे तो भाई मैं जब इसको टेस्ट करूँगा लंबे टाइम तक तभी बोल सकता हूँ, बट परफॉर्मेंस फुली सेटिस्फाइड। अभी इस गाड़ी में एक नई चीज़ मेरी आँखों के सामने आई है जो कि मेरा मूड थोड़ा सा घुमा रही है। अब आप देखोगे तो इसका पीछे वाला टायर जो है लाइन में है, लाइक इस वाले फेंडर से, और जो ये वाला है ये काफ़ी बाहर निकला हुआ दिख रहा है पीछे वाला टायर। तो ऐसा क्यों है ये तो भैया फोर्स मोटर्स ही बताए, हो सकता है कोई चीज़ लाइक अलॉय व्हील लगाते टाइम पे कोई शायद ये हबरिंग वगैरह यूज़ करते हैं, वो निकल के गिर गया हो, बट ये अपने को पता होना चाहिए जिससे कि आगे से ना हो, क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। कल लग रहा था कि मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है, बट ये सच में ही गड़बड़ है कुछ। ये वाला टायर काफ़ी बाहर है, लाइक काफ़ी बाहर। तो यार आधे घंटे से गर्मी मर रहा था, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। ये एफर्ट किसी के काम आए तो तभी मज़ा आए। और ये जो मिशलिन वाला पंप है अपना, इसको शायद मैं अभी एक साल हुआ नहीं है विद इन वारंटी है, तो आई विल ट्राई। इनका एक बैंगलोर में कोई सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि कोई ऐसा डैमेज नहीं है, तो मे बी दे कैन सेंड अ रिप्लेसमेंट। तो ये वाला पंप हम एक गाड़ी में रख सकते हैं जो कि ठीक ठाक स्पीड से हवा भरता है, जो गाड़ी ट्रैवल नहीं कर रही होगी उस टाइम पे उसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि लाइक यहाँ पे तो ठीक ठाक भरेगा, दिक्कत आती है वहाँ पे, तो इवन वहाँ पे T-Max भी स्लो हो जाना है, हाफ स्पीड से ही भरेगा। आई होप आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि एयर पंप इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको आप टाइम बचा सकते हो, अपना एफर्ट बचा सकते हो।